मॉर्निंग बच्चों, बेटा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने डिस्कस किए थे अपनी लास्ट वीडियो में, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी उसका नेचर कैसा है, कंजर्वेटिव नेचर है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, बताया था आपको कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनकी वजह से वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि पास्ट फॉलोड बाय द बॉडी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, पहली सिचुएशन में हम बॉडी को यहां से ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो हमने अपना अप्लाइड फोर्स जस्ट इतना लगाया कि बॉडी का जो एमजी है, वेट है, वो उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से ये हमारा अप्लाइड फोर्स है बच्चों, ओके। तो हम इस बॉडी को लेके गए हैं थ्रू एच आई, कहां तक लेके जा रहे हैं, एच आई तक लेके जा रहे हैं। तो हमारा वर्क डन होता है बेटा एफ डॉट एस। अब अप्लाइड फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा कितना बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, बिल्कुल। तो डब्ल्यू वन, पहले केस में डब्ल्यू वन आएगा एफ एस कोस 0 डिग्री, ठीक है। एफ किसके इक्वल है, एफ हमारा जस्ट किसके इक्वल है, एम जी के। हम एफ कितना अप्लाई कर रहे हैं, वो जस्ट किसके इक्वल हो, एम जी के। तो एफ की वैल्यू रख ली एम जी, एस की वैल्यू रख ली एच, कोस 0 के 1 1 आ गई। तो W1 आ गया हमारे पास, W1 आ गया है एम जी एच, ये हमारा वर्कडन आ गया पहले केस में। अब केस टू लेते हैं, ये फर्स्ट केस है आपका वन। केस टू में देखिए ध्यान से, हम दूसरा पार्ट फॉलो करेंगे, आप बॉडी को थ्रू एच हाइट ले जाने के लिए जो वर्क करेंगे वो वर्क फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अब हम लेंगे इंक्लाइन प्लेन की हेल्प। तो हाइट हमारी अब भी ऐसी रहेगी कि हम बॉडी को कितनी हाइट तक लेके जाएंगे, यहां से लेके चले और एच हाइट तक लेके जाएंगे। तो अगर आपकी बॉडी यहाँ है, इस पॉइंट पर है आपकी बॉडी, तो देखना ये एंगल को कितना बनाएगा, थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, ठीक है। तो यहां से ये पॉइंट ले लिया ए, इसको बी और इसको सी नाम दे देते हैं। तो इस बॉडी पर हमने एक अप्लाइड फोर्स लगाया एफ फोर्स, और उस फोर्स को अप्लाई करके हम बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इसका एम जी ऐसे होगा, बिल्कुल दिस इज एम जी, ओके बेटा। अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, बॉडी ने यहां से लेके यहां तक एस दूरी तय की, तो जो डिस्प्लेसमेंट, जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की, तो थीटा यहां पर। तो एस और एफ के बीच जो एंगल बनेगा उसको मैं क्या नाम दूं, थीटा डैश दे देती हूँ। तो कितना बना, 0 डिग्री, कितना बना बेटा, 0 डिग्री बना, बट ये एंगल थीटा अलग है, ध्यान रखना इस चीज को। तो हमने इसको एम जी को कंपोनेंट में तोड़ लेना है, आपने सीखा हुआ है, ये बन जाएगा एम जी कोस थीटा और ये बन जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो इस फिगर से जो एफ है वो जस्ट किसके इक्वल होगा, एम जी साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो देयरफॉर वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ कितना हमारा एम जी, पहले इसको खोल लेते हैं, एफ एस कोस ऑफ थीटा। तो एफ कितना है, एम जी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। एस कितना है, एसी इंटू में एसी इंटू में कोस थीटा, थीटा डैश लिखेंगे यहाँ पर, डैश कितना है 0, तो कोस 0 डिग्री। चलिए एम जी साइन थीटा, एसी की वैल्यू इस ट्रायंगल से अगर हम निकालना चाहे तो हमें बीसी पता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच हाइपोटेन्यूज। तो क्या होता है, बीसी अपॉन एसी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, बोलो बेटा। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एसी की, देयरफॉर एसी इक्वल टू बीसी अपॉन में साइन थीटा। तो यहां से ये मैं अलग से दिखा दूंगी इसको, ठीक है, ये मिक्स नहीं होगा डेरिवेशन में। तो एसी इक्वल टू आ गया, बीसी हमारा कितना है, एच
अब हमें साइन थीटा, पुट दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, तो एसी की जगह पुट कर देंगे एच अपॉन साइन थीटा और कोस जीरो आपका वन हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, सेकंड केस में ये हमारा डब्ल्यू टू आ जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया डब्ल्यू टू, तो देयरफॉर डब्ल्यू टू इक्वल टू एम जी एच, ये आपकी इक्वेशन टू। अब फोकस कीजिए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो ये ट्रू होता है फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू डब्ल्यू वन इक्वल टू डब्ल्यू टू, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजिशन दोनों की सेम थी, यानी आप एच हाइट तक बॉडी को लेके जा रहे हैं दोनों केस में, तो वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है, ठीक है, इसलिए ये प्रूव करता है, हेंस प्रूव ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां से तो ये प्रूव हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा आप उसको प्रूव कर सकते हो क्लोज लूप के लिए भी, एक बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हो तो mg ने जो वर्क डन किया वो नेगेटिव किया, जब वही बॉडी नीचे आएगी तो वो वर्क डन पॉजिटिव होगा, थीटा वहां पे जीरो बनेगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो क्लोज लूप बन जाएगी, जहां से बॉडी गई वहीं पे वापस आ गई, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्लोज लूप पर वर्क डन जीरो आता है, ठीक है, तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा ध्यान से सुनना, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देखिए, आपने वर्क डन फाइंड आउट किया था डब्ल्यू बाई ग्रेविटी, वो हमारे पास क्या आया था बेटा, डब्ल्यू बाई ग्रेविटी माइनस एम जी एच आया था कि नहीं, इस इक्वेशन को बन गया डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एच, एच के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारा डी डब्ल्यू बाई डी एच इक्वल टू आएगा माइनस एम जी, बोलो बेटा। बट जो ग्रेविटी फोर्स है एफ इक्वल टू वो किसके इक्वल है, एम जी के, तो देयरफॉर डी डब्ल्यू और ये जो डब्ल्यू है ये जो वर्क डन है यही उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो क्या इसको मैं एनर्जी यू से भी लिख सकती हूं, और यही पे लिख लेते हैं और यू इक्वल टू माइनस एम जी एच, बोलो बेटा, ठीक है, तो ये आपकी इस इक्वेशन को वन बोल देते हैं। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा डी यू बाई डी एच, ठीक है, तो ये आ गया आपका एफ इक्वल टू एम जी, तो हम लिख सकते हैं डी यू बाई डी एच इक्वल टू माइनस एफ और एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एच, एच पोजिशन है बेटा, सिंपली आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी यू बाई डी आर या डी एच, जो भी आप लिखना चाहें, तो ये आपका एक्सप्रेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे चल के आप इसको यूज भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट का नेगेटिव है, तो इसको जब भी पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है तो वो ग्रेडियंट कहलाता है बेटा, तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट जो है वो आपका फोर्स एफ के इक्वल है, ठीक है, और एफ क्या है, फोर्स अप्लाई बाय द ग्रेविटी यानी एम जी, तो ये एक रिलेशन है जो टू मार्क्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है बेटा। ओके, उसके बाद देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, छोटे छोटे टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में क्या है, एक तो ये रिलेशन आप यूज करने वाले हैं
कंजुगेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो इसका मतलब यह है कि उसका चेंज जीरो आएगा। तो ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ये आपको कांस्टेंट दिखानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट अभी हमने किया है कि फोर्स हमारा आया था माइनस du बाई डी एक्स के इक्वल, माइनस du बाई डी एक्स के इक्वल, ठीक है। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट है, उसका नेगेटिव एफ के इक्वल है। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी du इक्वल टू हो गई माइनस एफ डी एक्स, इसको इक्वेशन वन मान लेंगे, ठीक है। अब कोई भी वर्क डन जब आप करते हो, काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने किया था तो आपने क्या लिखा था, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स, ये किया था वर्क डन। और वही वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इक्वल था, बोलो बेटा। तो क्या ये डेल्टा के यानी डी के इक्वल था, बोलो। इसको हम सिंपली डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, तो ये डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब जिस भी फॉर्म में लिखना चाहे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एफ डेल्टा एक्स हो जाएगा, और ये डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी, जस्ट चेंज को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये आपका। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, वर्क एनर्जी थ्योरम से, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन होता है एफ डी एक्स, ठीक है। तो इक्वेशन वन और टू को ऐड किया, ऑन एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी हैव डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स माइनस एफ डेल्टा एक्स, और ये हो गया जीरो। इसका मतलब डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू आ गया है जीरो। तो ये वाली टर्म हमें क्या बताती है कि इनका जो चेंज है वो जीरो है। तो दिस इंप्लाइज के प्लस यू इक्वल टू क्या हो गया, किसी का चेंज जीरो तभी आता है जब वो क्वांटिटी क्या हो, कॉन्स्टेंट। और हम कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू आ गई कॉन्स्टेंट। और यही हमें क्या करनी थी बेटा, प्रूव करनी थी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, हमारी कंजर्व है, ठीक है। ये तो वही मैंने रिलेशन उठाया जो अभी अभी आपको कराया था पोटेंशियल एनर्जी का। फिर ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेशन लिया, दोनों को ऐड किया, कुछ नहीं है क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चाहिए मैकेनिकल एनर्जी को प्रूव करने के लिए, ठीक है बेटा। तो ये था आपका सोल्व में प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन अब आता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय यूजिंग फ्रीली फॉलिंग ए बॉडी। तो हमें यहाँ इलुस्ट्रेशन होता है विद एग्जांपल, हम प्रूव कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय फॉलिंग ए बॉडी फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है बेटा आपका, वो आपका क्या है, आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूव करना है इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। किसके लिए करना है, इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। बेटा ये नाइन्थ क्लास में आपने किया हुआ है, ये टॉपिक एज इट इज आपने नाइन्थ क्लास में किया हुआ है। देखिए क्या क्या मान के चलेंगे, ये हमारा ग्राउंड है, ओके। एच हाइट ऊपर, यहां से एच हाइट ऊपर एक बॉडी दी हमने, उसको हमने ड्रॉप किया, तो यू यहां पर उसका जीरो हो गया, बॉडी का मास हमने एम मान लिया। तो बताइए इस लोकेशन को मैं ए नाम दे दूं,
अलग कलर से लिखते हैं। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, बीच में कहीं भी सी पॉइंट ले लेती हूँ। तो अगर मैं इसको एक्स मानती हूँ तो ये हाइट मेरी कितनी बचेगी, एच माइनस एक्स, कोई दिक्कत? अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है इस केस में, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट तीनों पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो सम है वो सेम आएगा। तो शुरुआत करते हैं एट ए पॉइंट, ए पॉइंट से। ए पॉइंट पर पार्टिकल रेस्ट में बेटा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, चलिए मैं पूरा लिख देती हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो बिकॉज यू इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एमजीएच, हमने पढ़ लिया, ग्राउंड से जितनी ऊंचाई पे है वो उतनी एमजीएच, जितना ज्यादा उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते हैं बेटा, तो आप यू लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी आपकी आ गई है एम जी एच, इसको वन मान लो। अब मैं बात करूंगी एट बी पॉइंट, एट बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पे आ जाओ बच्चों। बी पॉइंट पे बिल्कुल नीचे आ गई तो हाइट जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो, मैंने लिख दिया है साइड में बिकॉज एच उसके लिए जीरो है, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर। अब भी हमें पता करना पड़ेगा बी पॉइंट पर वो एच दूरी चल के आया है तो भी कितना होगा। तो बाय यूजिंग एस, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, बोलो भाई। तो बताइए बी स्क्वायर हमें निकालना है, यू उसका जीरो है, जहां से वो चल के आई है वहां पे यू उसका जीरो था, टू एक्सेलरेशन उसका माइनस जे है और डिस्टेंस वो एच चल के आई है और नीचे आई है तो माइनस एच। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया टू जी एच, तो v इक्वल टू आ गया, मुझे v स्क्वायर चाहिए तो v स्क्वायर ही ले लिया, ठीक है। देयरफॉर इसको स्टार इक्वेशन मान लेते हैं, देयरफॉर इक्वेशन स्टार इंप्लाइज, तो वो इक्वेशन स्टार क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम v स्क्वायर के जगह टू जी एच, टू से टू कट गया, ये आ गया बेटा जी एम जी एच। तो इक्वेशन आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो प्लस एम जी एच यानी कि एम जी एच, इसको हम इक्वेशन टू मान लेंगे। नाइन्थ क्लास में किया हुआ है बेटा, जस्ट रिवीजन है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। चलो अब आ जाते हैं सी पॉइंट के लिए, एट सी पॉइंट, चलिए सी पॉइंट पर देख लेते हैं। यहां पर तो कितनी हाइट ऊपर है, एच माइनस एच, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी, हाइट है एच माइनस एच, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई है एम जी एच माइनस एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर बच्चों। अब चलते कितना आई है एक्स, तो इसी इक्वेशन का फिर से यूज करेंगे, सारी चीजें वही, सिर्फ यहाँ पे एक्स आएगा तो टू जी एक्स, तो बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा टू जी एक्स। तो बताइए एस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी टू ए एस, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ये जीरो, टू माइनस जी माइनस एक्स, तो बी स्क्वायर आ गया है टू जी एक्स। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम बी स्क्वायर की जगह टू जी एक्स, टू से टू कट गया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई एम जी एक्स, बोलो बेटा। सो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ऐड करो बेटा दोनों, काइनेटिक एम जी एक्स प्लस पोटेंशियल कितनी है एम जी एच माइनस एम जी एक्स, एम जी एक्स से एम जी एक्स कट गया तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू आ गई एम जी एच के, इसको हम इक्वेशन थ्री मान लेंगे। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा फ्रॉम इक्वेशन, लिख सकते हैं हम यहां पर फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट, सो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। तो हम क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। तो आपकी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इलस्ट्रेशन था, एक्सप्लेनेशन था,
दिस एन एग्जांपल, जनरल रिजल्ट जो हमने करना था कंजर्वेशन का वो हमने लास्ट वाला किया था अभी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल एनर्जी का जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम डिस्कस करेंगे। एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो कैसे उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है और क्या एक्सप्रेशन होता है, ठीक है बेटा। ओके।